दिल्ली के कृष्णनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सामान्य सीटों पर भी महिलाओं को मौका देगी। देश की नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने आजादी से पहले और स्वतंत्र भारत में महिलाओं को अधिकार देने का हर अवसर प्रदान किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी सामान्य सीटों पर भी योग्य महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका देगी। अनिल ने कहा कि कांग्रेस ने देश को इंदिरा गांधी के रूप में सशक्त महिला प्रधानमंत्री दिया। पार्टी का शीर्ष पद लंबे समय से सोनिया गांधी के हाथों में है। कांग्रेस आगामी निगम चुनावों में आरक्षित सीटों के अलावा प्रतिष्ठित, निष्ठावान, कर्मठ महिला कार्यकर्ताओं को सामान्य सीटों पर भी मौका देगी। कि आज जब इस सरकार को कसौटी पे खड़ा करने की आवश्यकता थी, वो सरकार का मुखिया छुप के घर बैठ के कोरोना काल में लोग मरते रहे, सांसों के लिए तड़पते रहे, ऑक्सीजन मिली नहीं, मजदूर भूखे थे, प्यासे थे, उस समय उनका साथ छोड़ करके भूखे राज्य मुख्यमंत्री मैं उसको कहता हूँ अपने घर में छुप के कैसे बैठ सकते, उसका ये दायित्व था, ये उसका दायित्व था कि उसको दिल्ली का ध्यान रखना था, ख्याल रखना, इसलिए उनके दावों की तोड़फोड़ किया। जब स्वास्थ्य पे बोलता है तो भैया जरा जवाब दे, लाखों मौतें हुई है दिल्ली के अंदर, सड़कों पर लोग सांसों के लिए तड़पते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, घर जाकर के अपने मरीज को मरता हुआ देखा। मैक्स में रात को 12-12 बजे जाकर के मैंने चेक किया, बेड की स्थिति किया। ये शहर है, ये राजधानी है, कल्पना कर सकते हैं इस शहर को बनाया था हमारे नेताओं। मैं वापसी वही आता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने इस देश को बचाया, मेरे कांग्रेस के नेताओं ने इस शहर को, इस देश को आगे बढ़ाया। माफ करिएगा, हम आज जरूर चुनावी हार जीतने के पिछड़ते नजर आते होंगे, लेकिन मानवीय पहलू पे आज देश के अंदर कोई संगठन है तो कांग्रेस। सम्मेलन में अनिल चौधरी ने कहा कि महिलाएं सबसे अधिक प्रताड़ित, अलग थलग और उपेक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियां और कार्यक्रम सभी महिला विरोधी हैं। शराब नीति इसी का हिस्सा है।